पांच बड़े रसूल हैं, हजरत नूह अलैह सलाम, हजरत इब्राहिम अलैह सलाम, हजरत मूसा अलैह सलाम, हजरत ईसा अलैह सलाम और हमारे प्यारे आका जनाब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल कयामत के दिन हजरत ईसा अलैह सलाम भी कहेंगे, ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता। उस वक्त मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान पे होगा, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को कुछ ना होने देना, जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे तब तक एक एक का हिसाब नहीं हो जाएगा। जन्नत में लेके जा रहे होंगे फरिश्ते, आइए आका तशरीफ लाइए। आका फरमाएंगे, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? जब तक मेरी उम्मत का हिसाब किताब नहीं होगा, एक एक उम्माती नहीं जाएगा, तब तक मेरे आका को चैन नहीं मिलेगा। वो उम्मत आज इतनी बहस हो चुकी है, आज इतनी बेगैरत हो चुकी है कि हमें कुछ परवाह नहीं है अपनी जिंदगी की। आज हम दुनिया की रंगीनियों के अंदर मस्त होके अपने अल्लाह को भूल चुके हैं, उस रसूल की मोहब्बत को भूल चुके हैं जिस रसूल ने रातों को बिस्तर को गीला कर दिया, रोते रोते हमारे लिए किस लिए? वो रसूल हमें जानता तक नहीं था। अल्लाह ने कहा, हुजूर क्यों इतना रोते हो अपनी उम्मत के चक्कर में? नबी ने फरमाया, अल्लाह वो मेरी उम्मत है, उससे मुझे दिली मोहब्बत है, दिली लगाव है। सहाबा इकराम से फरमाया कि आप लोग मेरे दोस्त हो, वो मेरे भाई है, जिन्होंने मुझे नहीं देखा मेरे ऊपर बगैर देखे ईमान लाए। इसलिए हुजूर से मोहब्बत करो और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें।